तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ फ्लैग जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दू? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर, प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दू मैं? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से पूरे देश में मोदी के नाम का डंका बज रहा है और लंका लग चुकी है वो आप जानते ही हैं। मैं किसी देश के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं देश के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ या किसी भी प्रवक्ता के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। देश की जो पार्टी बीजेपी बन चुकी है उस पार्टी के साथ नहीं हूं मैं। यहाँ खुले कैमरे पर बोल रही हूँ कि किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, क्योंकि मैं एक संगी नहीं हूं, क्योंकि मैं देश की नागरिक हूं, इसीलिए मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ। इसीलिए बात रखते हुए मैं भी नुपुर शर्मा पे आऊंगी। नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से पूरे देश की नाक कटवाई है उसका डंका लगातार बज रहा है, आप सामने देख सकते हैं। नुपुर शर्मा ने अभी हाल ही में जिस तरीके से विवादित टिप्पणी अपने देश में करके नुपुर शर्मा घेरे में आ चुकी है, क्योंकि वहां पर दौरे पर गई थी और वहां पर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की मोहम्मद पर, पैगंबर मोहम्मद की मैं बात कर रही हूं। लगातार उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को निशाना बनाते हुए उनको टिप्पणी की है और इसी तरीके से पूरे देश में अब हल्ला मचा हुआ है। और क्यों हल्ला मचा हुआ है? क्योंकि उन्होंने विवादित बयान दिया है मोहम्मद के ऊपर। इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद वहां पर जब नमाज करके मुस्लिम लोग आ रहे थे तो वहां पर इतना बड़ा दंगा छिड़ गया कि वहां हिंदू मुस्लिम होने लगा। इस तरीके की लगातार तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर मुद्दे गहमे हुए हैं, मुद्दे गरमाए हुए हैं। लगातार जो भांड मीडिया है लगातार यही सब दिखाता है, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो किया है वो पूरे देश को शर्म से नीचे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। लगातार खाड़ी देशों से उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। क्यों साधा जा रहा है? क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद पर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की है। विवादित टिप्पणी में उन्होंने मोहम्मद पैगंबर पर लगातार गलत सलत बातें कही हैं और जितने भी मुस्लिम देश थे उन्होंने आयात निर्यात बंद करने के लिए ऐलान कर दिया है। मैं लगातार आपको अभी दिखा दूंगी किस तरीके से खाड़ी देशों से, कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, ये लगातार इन देशों ने माफी मांगने की बात की है कि भारत को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बयानबाजी दी है, क्या उसके लिए पूरे देश को झुकना चाहिए? क्या पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए? क्या एक नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयानबाजी दी है क्या उस पर FIR होनी नहीं चाहिए? बीजेपी प्रवक्ता होने के बाद बीजेपी पार्टी ने उन्हें निलंबित करा है, खाली निलंबित ही किया है। सोचिए, इतनी बड़ी बयानबाजी देने के बाद नुपुर शर्मा पर कोई FIR नहीं होती है, कोई उन पर धाराएं नहीं लगती हैं, कोई UAPA की धारा नहीं लगती है। वहीं जब प्रोफेसर रतन लाल जैसे महान इतिहासकार जब इतनी सी टिप्पणी कर देते हैं तो उनके ऊपर FIR हो जाती है और लगातार उन पर हमले होने लगते हैं। हमले से मुझे याद आया कि अब नुपुर शर्मा ने जब देखा कि किस तरीके से पूरा देश जो है उनके नाम का डंका बजा रहा है, मोदी के नाम का डंका बज रहा है, तो अब नुपुर शर्मा ने एक अच्छा पैतरा खेला है। अब वो लगातार ये कहती हैं कि मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, मेरे को मारने की धमकी दी जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी दी थी तो उसके बाद उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। अरेस्टिंग ना हो करके उन्हें YZ+ तरीके की सिक्योरिटी दी जाती है। जी हाँ, जो लोग इस तरीके की बयानबाजी देते हैं, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, लगातार सस्ती मानसिकता वाले ये लोग और सस्ती लोकप्रियता वाले ये लोग लगातार इस तरीके से देश को झुकाने का काम करते हैं और शर्मसार करते हैं। शर्म आनी चाहिए नुपुर शर्मा को, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी दी और उसके बाद वो Z+ सिक्योरिटी में रहती है। सोचिए, हमारे देश का संविधान और किस तरीके से हमारे देश का संविधान और पुलिस तक जो है उनको सिक्योरिटी देती है, उनके लिए इस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराती है। सोचिए, वहीं सरजिल इमाम हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल हो, उन जैसे लोगों पर लगातार इस तरीके की धाराएं लगा दी जाती हैं, FIR कर दी जाती है और उन्हें UAPA के तहत अंदर जेलों में भर दिया जाता है। लेकिन
वहीं देश को शर्मसार करने वाली नुपुर शर्मा ने इस तरीके का बयान देकर सिर्फ भारत देश को ही शर्मसार नहीं किया है, देश पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का एक काम किया है। लगातार 12 देश हैं जिनमें मैं आपको नाम गिना देती हूँ, अब तक दुनिया के 12 देशों ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं पर बयान पर नाराजगी जताकर उसकी निंदा की है। सोचिए भारत की किस तरीके से छीछा लेदर हो रही है। लगातार इसमें 12 नाम है, मैं आपको गिनती से बताती जाऊंगी। कतार, यूएई, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहराइन, ओमान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव। अब जो है आप सोचिए, अभी तक कुवैत और कतर ने ही इस तरीके के बयान दिए थे, अब जो है इसी तरीके से विनोद कापरी लिखते हैं, ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, अफगानिस्तान, ओमान के बाद इंडोनेशिया, जॉर्डन और मालदीव का भी बयान सामने आ चुका है। सोचिए अब मालदीव और जॉर्डन जैसे देश भी सामने आ चुके हैं और लगातार हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा कर दिया है। लगातार इस तरीके की ये बात कही जा रही है कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके के शर्मनाक काम को करने वाले प्रवक्ता को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इस देश को माफी मांगनी चाहिए? क्या इस तरीके के लोग जो टिप्पणी करते हैं, क्या उन पर FIR नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? इसी तरीके से उनके, सोचिए जो इस तरीके की टिप्पणी करती हैं, उनके साथ खड़े होने वाले लोग भी आ जाते हैं। इसी तरीके से एक साध्वी है जिनका मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के बता देती हूँ, डॉक्टर प्राची साध्वी जी हैं, वो लिखती है, अपने घर के महिलाओं को मुसीबत के समय अकेला छोड़ देना कोई धर्म या शास्त्र नहीं सिखाता है। सोचिए, नुपुर नवीन को वापस लो। नवीन, जी हाँ, नुपुर शर्मा के साथ नवीन भी एक ऐसा नाम है जिसने हमारे देश को शर्मिंदा किया है। लगातार इस तरीके के लोग हमारे देश को गिराने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर भाजपा ने निलंबन तो उनका भी हुआ था जो आज उत्तर प्रदेश की भाजपा के सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। सोचिए ये बीजेपी सरकार किस तरीके का गेम खेलती है। जी हाँ, मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ कि बीजेपी सरकार किस तरीका का गेम खेलती है, एक प्रवक्ता को सिर्फ निलंबित ही करती है। निलंबित आखिर होता क्या है? क्या उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या अदालतों को इस पर कोई कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या उन पर FIR नहीं होनी चाहिए थी? क्या उन पर धाराएं नहीं लगनी चाहिए थी? इतना बड़ा काम करने के बाद, कुवैत और कतर में हमारे देश की नाक कटवाने के बाद, क्या ऐसे इंसानों के ऊपर धाराएं नहीं लगनी चाहिए थी? जिस तरीके से हमारे देश के लोग, हमारे भारत के भारतीय नागरिक भी वहां रहते हैं, सोचिए इतना बड़ा काम एक नुपुर शर्मा ने किया है, जो हमारे भारत के लोग वहां पर रहते हैं उनको किस तरीके से जूझना पड़ेगा। आखिर एक नुपुर शर्मा की वजह से उन लोगों के साथ भी उस तरीके से अब कुछ ना कुछ इस तरीके का होगा कि उनको भारतीय देखकर उनसे घिन की जाएगी और उनको भारतीय समझकर देश से बाहर निकाला जाएगा। सोचिए एक नुपुर शर्मा की वजह से यहाँ देश का आयात निर्यात बंद कर दिया जाएगा। इस नुपुर शर्मा की वजह से लगातार जो हमारे देश में तेल का इतना बड़ा स्रोत जो है, खाड़ी देश है, वहां से तेल का आयात निर्यात होता है, वो तक बंद कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की वजह से। सोचिए पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा एक नुपुर शर्मा की वजह से। लगातार हमारे देश को इसी तरीके से जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कुछ प्रवक्ता अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके की बयानबाजी करने लगातार इस डिबेटों में बैठ जाते हैं और लगातार इस तरीके की बातें करने लगते हैं कि उन्हें कोई अच्छा और ऊंचा पद मिल जाएगा। इसी तरीके से MOFA इंडोनेशिया की तरफ से एक जो ट्वीट है वो सोचिए, उसने लिखा है, इंडोनेशिया स्ट्रॉन्गली कंडमेंस अनएक्सेप्टेबल डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट प्रोफेट मोहम्मद PBUH बाय टू इंडियन पॉलिटिशियंस। दिस मैसेज हैज बीन कन्वेड टू इंडियन एम्बेसडर इन जकार्ता। सोचिए इन दो प्रवक्ताओं की वजह से देश को, पूरे देश को आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या ऐसे लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी?
आपका क्या जवाब है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक देखते रहिए जनहित आवाज। नमस्कार।